एंजल नंबर 1111 मुझे बार बार ये दिखाई देता था। कार के बैक साइड पे, मोबाइल में, हर जगह पे मुझे ये बार बार दिखाई देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं इस नंबर को क्या समझूं, क्या ये संदेश मुझे मिल रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कल ही ये मेरे साथ हुआ था जब मेरे मन में ये सवाल आया, और यही कारण है कि आज मैं वे वीडियो बना रही हूँ। उसका और एक कारण ये भी है कि आप लोगों के बहुत वक्त से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं एंजल नंबर पे वीडियोस जरूर से बनाऊं, तो आज मैं उसी पे आपको जानकारी देने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूं इंदु आहूजा। तो आज मैं सबसे पहले आपको जानकारी देने वाली हूँ 11 या 1111। अगर आपको ये नंबर बार बार दिखाई दे तो इसमें मैं क्या क्या आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि ये नंबर सबसे पहले तो आपको दिखाई क्यों देता है। दूसरा, सबको तो दिखाई नहीं देता, कुछ को बार बार दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ को नहीं दिखाई दे रहा है और वो कन्फ्यूज है कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तीसरा, कि अगर ये नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है। चौथा, कि ये नंबर दिखने पे हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या समझना चाहिए और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। बहुत ही कोशिश करूंगी कि सिंपल भाषा में आपको इसको मैं समझाऊं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे 1111 के बारे में। देखिए, जो 1 नंबर होता है ना, ये न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये होती है शुरुआत, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अगर टैरो कार्ड में भी देखा जाए तो 1 को स्टार्ट कहा जाता है, कोई भी चीज की शुरुआत। 1 नंबर जो होता है वो सूर्य से भी रिलेट करता है, ठीक है। और सूर्य किससे रिलेट करता है, वो भी यही होता है कि या तो मान सम्मान हो गया, या तो कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात हो गई, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, लाइफ में ग्रोथ हो गई। तो ये सारी बातें जो है 1 नंबर से रिलेट करती है। अब ये कुछ लोगों को क्यों दिखता है और कुछ लोगों को क्यों नहीं दिखता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उनको अक्सर दिखता है जो यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं। अपने आप को यूनिवर्स से वो कैसे अलाइन करते हैं, या तो प्राणायाम से ये पॉसिबल है, या मेडिटेशन से ये पॉसिबल है, या तो मैनिफेस्टेशन कोई भी अगर टेक्निक कर रहे हैं, या वाटर टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, या 369555, कोई भी ऐसी टेक्निक जहां पे आप स्पिरिचुअली अपने आप को जोड़ रहे हैं यूनिवर्स के साथ। और ऐसे में आपकी जब बॉडी बैलेंस हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि चक्रास हीलिंग से भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब मुझे ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा था ना, उन दिनों में मैं बहुत सारी टेक्निक्स कर रही थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे दिखाई देता है, और ये टेक्निक्स मैं ऑलमोस्ट मेरी डेली लाइफ में करती हूँ, जैसे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जर्नलिंग है, ग्रैटिट्यूड है, यानी कि वो चीज़ों के लिए शुक्राना करना जो आपके पास है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो है उसका शुक्राना करना है। इसके साथ साथ मैं वाटर थेरेपी भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। उसकी वजह से ये नंबर्स मुझे आज भी बार बार दिखाई देते हैं, और 1111 स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इनफैक्ट कल ही मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बस मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मुझे एकदम से नज़र में आ गया कि आपने एंजल नंबर पे वीडियो बनाए। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, और बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, इस तरीके से सोच रही थी। जैसे ही सोच रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी वक्त उसी क्षण मोबाइल पे मेरे नजर गई 1111, मतलब टाइम उस वक्त यही दिखाई दे रहा। तो उसी वक्त मुझे ये संदेश मिला यूनिवर्स से कि जो आप सोच रहे हो वो सही है, आपको उस पर तुरंत के तुरंत काम कर लेना चाहिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जल्दी आपको ये कार्य करना चाहिए। तो जब भी आपको 1111 दिखाई दे, मान लो कि उन दिनों में कोई आपके मन में सवाल चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ये मैं सही है या गलत है, बहुत सारी ऐसी बातें दिमाग में चलती रहती है, तो जैसे ही 111 आपको दिखाई देना, उस वक्त शांति से आप बैठ के सोचें कि किस बारे में आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, या मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। तो अगर वो है तो इसका मतलब हाँ, आपको वो करना चाहिए। मान लो कि फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, तो इन दिनों में एक आपको मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जब 1111 आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको ईश्वर को याद करना है, गुरु को याद करना है, या सिंपली आपको यूनिवर्स को बोलना है कि मैं नहीं जानता
कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप ही मुझे सही रास्ता बताएं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मेरा सवाल है। सिंपल, आपको ये बोलना है और सो जाना है, ठीक है। और आप खुद उसके बाद नोटिस करेंगे, या तो आपको सपनों के थ्रू, या कोई ना कोई पर्सन आके आपको वो मैसेज देगा, या कोई ना कोई आपको कहीं से ऐसी बात सुनाई दे जाएगी जहां पे आपका वो जवाब इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो आपको इन दिनों में करना क्या है, जब आपको ये नंबर्स दिखाई दे, तो सबसे पहली बात तो ये, इन दिनों में नेगेटिव सोचना एकदम बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप ये सोचेंगे, चाहे वो किसी और के लिए भी हो, तो इमीडिएटली आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बन रहा है वो टूट जाएगा। हो सकता है जो आपकी इच्छा भी जल्दी पूरी होने वाली है उसमें रुकावट आ जाएगी, या आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये आपको बहुत बड़ा संदेश है कि अपने आप को अलाइन करें, पॉजिटिव सोचें, और आपको अपने उस रास्ते पे हार्डवर्क करना है, कार्य करना है। ये आपको मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ आप सही रास्ते पे चलो, गलत सोचना बंद कर दो, अपनी तरफ ध्यान दो, आपके जो टारगेट है, आपका जो गोल है उसकी तरफ ध्यान दो। अब इसमें और एक आप चीज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि मान लो कि आप इन दोनों में कोई जॉब देख रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपको 111 दिखाई दे रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक पेपर पे या एक डायरी में आपको प्रेजेंट टेंस में ये लिखना है कि मुझे जॉब मिल गई है ये महीना ये तारीख से पहले। बच्चों की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपके विश है, उसको प्रेजेंट टेंस में डेली आप लिखना शुरू कर दें, एटलीस्ट 3 बार या 5 बार वही सेम सेंटेंस। कोई भी एक विश को लेके चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी मैक्सिमम आप 3 इच्छा को ले सकते हैं। तो एक एक इच्छा को आप यहाँ पे 3 बार या 5-5 बार लिखेंगे, कोई भी टाइम पे आप ये कर सकते हैं, कोई भी डायरी में कर लिए, कोई भी कलर की पेन से लिखिए, कोई भी पेपर पे लिखिए, कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, या आपने मोबाइल के नोट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप बुक में इसको लिखिए। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको जो नंबर दिख रहा है ना, उसका सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलने लग जाएगा, और आपके कार्य जो है वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होने लगेंगे। अच्छा, अब जिनको ये नंबर नहीं दिखाई दे रहा है और वो चाहते हैं कि उनका ये काम हो जाए या उनको ये नंबर्स दिखाई देने लग जाए, तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड यहाँ पे शुरू कर देना है, यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करना है। तो उसमें से सबसे पहले जो टेक्निक होती है कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको ये नहीं सोचना जो नहीं आपके पास, आपको वो सारी चीज़ें डायरी में लिखनी है जो आपको मिली है। थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे अच्छा घर दिया, थैंक यू ईश्वर कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मुझे अच्छा बिस्तर मिल रहा है, मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी बातों का आप ग्रैटिट्यूड सुबह उठते ही सबसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप वाटर थेरेपी कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आप पानी में देखें 30 सेकंड्स के लिए, आप ये बोलिए कि मेरा ये काम हो गया है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा सब अच्छा हो रहा है। तो कोई भी एक टेक्निक या 2 टेक्निक या 3 टेक्निक आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अलोनोम विलोम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ जोड़ने की कोशिश करें स्पिरिचुअल लेवल। तो जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपको वो नंबर्स दिखने लग गए, तो आप समझ जाइएगा कि अब आपका काम होने वाला है, और ऐसे में आप डट जाइए मेहनत पूरी करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आज मैंने आपको 111 के बारे में बताया, तो 222, 333 इस तरह के नंबर्स आप पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, इससे आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गॉड ब्लेस।